नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज मेरे पास यहाँ पर है दिस इज HF Deluxe। इसके अंदर कुछ अपडेट हुआ है और ये कम्यूटर बाइक होने के बाद क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इवन आफ्टर इंट्रो हम लोग यहीं पे क्यों है पता है? बिकॉज इसके अंदर जो सबसे पहला चेंज हुआ है कि अब इसके अंदर ट्यूबलेस टायर आपको देखने मिलते हैं। पहले इसके अंदर ट्यूबलेस नहीं थे, लेकिन अब इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने मिलता है। अभी चलते हैं गाड़ी पर और सीधा हम लोग बताते हैं इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलेगा। साइड के लुक से इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ब्लैक ग्लॉसी में। इसके इंजन के स्पेक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको मिलने वाला है एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC 97.2 cc का इंजन, 8.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, 8.05 और जो न्यू RPM होगा दैट विल बी 6000। सिलेंडर इसके अंदर आपको सिंगल मिलेगा। फ्रंट का लुक आप देख सकते हो, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन पहले हम लोग थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। जो इसका मेन अट्रैक्शन है दैट इज़ टायर। टायर की साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज़ यहाँ पे मेंशनड है। अब आपको इसके अंदर ट्यूबलेस एलॉय मिलता है, जो कि पहले इसके अंदर आपको नहीं देखने मिलता था। अब इसके अंदर आपको ट्यूबलेस एलॉय जो है वो देखने आपको मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। फ्रंट के लुक के ऊपर आते हैं, इसके अंदर आपको देख रहे हो DC बल्ब देखने मिलेगा और इंडिकेटर जो है ना वो भी हेलोजन ही इसके अंदर आपको दिए हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको इसका साइड लुक दिखाता हूँ। ग्लॉसी जो है ना वो इसका मेन अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे हीरो की बैजिंग देखने मिलेगी। यहाँ पे छोटा सा कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे हीरो की बैजिंग है और हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है और HF Deluxe यहाँ पे लिखा हुआ है। और साइड में देखोगे तो आपको और भी तीन चार चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह मिलेगा। ऊपर आते हैं टैंक पे देखो, यहाँ पे E20 का सपोर्ट अब आपको इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे टैकोमीटर है, एनालॉग मिलेगा, सब में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन E20 क्या होता है इसके ऊपर अगर आपको नहीं पता है, वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाल दिए, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। आते हैं हम लोग इसके सीट पे। सिंगल सीट है, कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी है। मतलब कंप्यूटर बाइक में जैसी बाइक होनी चाहिए, जैसी सीट होनी चाहिए वैसा है। टेल लाइट के अंदर आपको यहाँ पे सेम हैलोजन मिलता है, कंप्लीट हैलोजन सेटअप है। इसके अंदर बल्ब ही मिलेंगे आपको और यहाँ पे आपको एक ग्रैब रेल मिलता है। कंप्यूटर बाइक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी सारा सामान जो है हम लोग इसके ऊपर कैरी कर सकते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसकी चाबी इंसर्ट कर देता हूँ और चालू करते हैं। इसके अंदर देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंजन कट ऑफ सेंसर, यहाँ पर आपको स्पीड है, बाकी आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो भी नीडेड है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। न्यूट्रल लाइट वगैरह, यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक इंजन का स्विच है, लेफ्ट हैंड में आपको बाकी सारे बटन मिलेंगे। कुछ इसके अंदर फैंसी नहीं है, कंप्यूटर बाइक्स में जैसा होना चाहिए वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओवरऑल ये गाड़ी जो है ना कंप्लीट पैकेज है और इसका जो माइलेज है दैट विल बी अराउंड 70, ठीक है, 70 का माइलेज आपको मिलेगा, डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर। यहाँ पे आपको टायर पीछे की साइज देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा था, पीछे भी अब आपको जो है वो एलॉय देखने मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ही प्यारी एक शील्ड बनी हुई है एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपके पैर को प्रोटेक्ट भी करता है ये कहीं जाने से। यहाँ पे आपको एक बाइक किक मिल रही है, वो अच्छी बात है, किक तो होनी चाहिए। बाकी सारी अभी बड़ी बाइक्स में तो नहीं आती, लेकिन इसके अंदर अब आपको किक जो है वो देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्रेक पेडल भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे पावर स्टार्ट FI है, ये इंजन फ्यूल इंजेक्टेड है, जो कि मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया था, मैं इसके अंदर आपको मेंशन कर देता हूँ। और भी दो चार चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको i3S टेक्नोलॉजी भी मिलती है। वो वाला मॉडल अभी हमारे पास इसमें नहीं है, लेकिन i3S जो है वो भी इसके अंदर आपको मिलता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगी 720 mm की हाइट विथ मिलेगी इसकी, और जो इसकी हाइट होने वाली है वो 1045 mm की होने वाली है। इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस बाइक, दिस इज 85,000 इन मुंबई, जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दिस इज ऑटोमाइल जीरो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल सामने, वहां से ये गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हो। और आपका जो कुछ भी रिव्यू है, एक्सपीरियंस है, कमेंट है, आप नीचे डाल सकते हो। आप हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तब तक के लिए